अभी आप सोच रहे हो कि हम ऑनलाइन कबूतर मंगवा ले, है ना, जैसे कि आपने व्हाट्सएप ग्रुप में वीडियो देखे कि यार कबूतर तो बहुत अच्छे है, और साथ में नंबर भी है, आपने नंबर से बात करे और आप सोच रहे कि हम इस नंबर से कबूतर मंगवा लेते हैं, तो भाई ये गलती बिल्कुल मत करना आप। क्योंकि भाई अभी सबसे ज़्यादा ऑनलाइन फ्रॉड बहुत हो रहे हैं, 99% मेरे पास डेली कमेंट आती है, इसी वीडियो के नीचे कमेंट है, देखो आप इस वीडियो के नीचे वो भाई कमेंट करे जिनके साथ में फ्रॉड हो चुका है, और जिसने करा है उसका नाम जरूर बताना आप, ताकि जो हमारे नए भाई ये नए खिलाड़ी है वो सोच रहे कि हम कबूतर मंगवा ले, पैसे अकाउंट में डाल दे तो कबूतर हमारे पास आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा भैया। कभी आपने किसी के अकाउंट में पैसे डाल दिए ना, कबूतर नहीं भेजेगा, सिर्फ आपको ठेंगा भेजेगा, वो नंबर ब्लॉक कर देगा आपको। अभी मैं क्यों बोल रहा हूँ, आप पहले वीडियो देखो। देखो राठिया घाट वाला बात वाला भाई अभी भी नहीं मानता, लोगों साथ फ्रॉड कर दिया है, अभी वीडियो चालू है। दूसरे नंबर से मैं बात कर रहा हूँ मेरे दोस्त के, ये देखो फिर कबूतर भेज रहा है वो, देखो रिकॉर्डिंग चालू है, अब मैं उसको फ़ोन करता हूँ, फिर देखो क्या होता है। फोन कैमरा दे, कोई कुछ मत बोलियो। हेलो हेलो, फाइनल रेट बताओ राजा भाई। फाइनल रेट बताओ भैया। वही कबूतर के कौन से के? सोनंग तुमने बताया जो काले है ना, शेजानपुरी बोलते। 500 रुपये लगे वो। कितने? 500। यार कुछ कम कर लो भाई साहब। ओरिजिनल भत्ते वाले तो कैसे, आधा पेमेंट लोगे कि कैसे करोगे? गुजरात बरोड़ा है, अहमदाबाद से 100 किलोमीटर आगे। अच्छा अच्छा बताइए भैया। तो आधा पेमेंट लोगे फुल पेमेंट लोगे? तो बतेरे बदनाम हुए तो भाई कोई का पैसा खाएगा गए तो कोई तो बोलेगा नहीं, बतेरे बदनाम क्यों हुए? तो मैं बताता रहा हूँ भैया, ये चोर वाला काम राजा भाई बंद कर दो, 100-10-20 हजार लोगे, मेरी बात सुनो, जमीन मजबूरी कोई नहीं होती है, जमीन दोस्त हो जाओगे तुम, क्या हो जाओगे? अल्लाह वाले हो ना, मोमिन हो ना, अल्लाह पे भरोसा करते हो ना? मैं क्या बोलता हूँ, अल्लाह पे भरोसा करते हो कि नहीं करते हो तुम? हाँ जी भैया भरोसा। तो फिर तुमने मेरे 12,000 रुपए लेके मेरे को ब्लॉक कर दिया। तुम अगर ये भी बोलते ना कि अतीक भाई मैं तुम्हारे को 2 महीने बाद दूंगा पैसे तो भी मैं मान जाता। भैया परेशानी भी तो होगा। अरे काय की परेशानी, बन फोन बंद, लोगों को ब्लॉक करके बंद कर देने का, फिर ये सस्ते कबूतर, फिर चूतिया बनाने के सस्ते कबूतर देके। जो तारिक भाई है जो टोंक वाले, मेरी बात सुनो, उससे मेरी रूबरू बात हुई है, तो बोले ये तो चूतिया बना था, मैंने 1,000 रुपए जो तुमने मेरे 400 रुपए नक्की करके रखे थे ना कबूतर के, वो कबूतर साड़ी 1,050 में बिके उसके, और मेरे दोस्त ने लिए अहमदाबाद में अनिप भाई करके। तो लोगों साथ ये चूतिया बनी बंद कर दो भाई, ईमान मत खराब करो, नाम खराब होता है। अच्छा ये बताओ तुम 12,000 कब दोगे? वीडियो देखे आपने, ये कौन है, सबसे फेमस चिड़ीमार चोर राजा गाजियाबाद वाला, जो मैंने पिछली वीडियो बनाया था। असल में क्या कर रहा है वो ये कर रहा है, उसके पास व्हाट्सएप ग्रुप बहुत सारे हैं, एक दो व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, करीब 40 से 50 व्हाट्सएप ग्रुप है, और हर ग्रुप के अंदर वीडियो भेजता है वो, कबूतरों की वीडियो डाल देगा, और डालने के बाद में नंबर इसको वगैरह सब रहता है। आपने उससे कांटेक्ट करे, कांटेक्ट करने के बाद में आपने बोले भैया ठीक है कबूतर आपको मेरे पास मिल जाएंगे, आपको सौदा वगैरह हो गया, वो आपको उसका अकाउंट नंबर देगा, और आप उसकी झांसे में आके उसके अकाउंट में जहां आपने पैसे डाले, बस उसी सेकंड जैसे पैसे उसके पास में आएंगे ना, उसी वक्त आपका नंबर वो ब्लॉक कर देगा, आपको मैसेज के जवाब नहीं देगा वो आपको। ये कौन करेगा? राजिया गाज वाला, ये सबसे बड़ा भाई फ्रॉड है, ये हर किसी के पैसे खा रहा है। मैं तो एक बात बोलूँगा भाई आपको, कभी आपके साथ फ्रॉड हो रहा है, कभी आप ऑनलाइन कबूतर मंगवा रहे हो ना, कुछ मत करो भाई, पुलिस में जाके कंप्लेंट डाल दो आप,
आपके पास तो प्रूफ है ना, आपके पास नंबर है, रिकॉर्डिंग रखो आप, उससे आप जो भी बात कर रहे हो रिकॉर्डिंग संभाल कर रखे, वीडियो कॉल करो भी या चेहरा संभाल के रखो, पूरा तहकीकात करो कि ये बंदा कहाँ है कहाँ नहीं है, उसके बाद आप कबूतर मंगवाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आधा अधूरी आपने बातचीत करे और उसके अकाउंट में पैसे डाल दिए ना, तो भाई बहुत बड़ी आप गलती कर रहे हो, क्योंकि वो बंदा क्या है, ज़्यादातर व्हाट्सएप ग्रुप में वीडियो भेजता है और वहीं से मछली फंस जाती है। तो आप मछली मत बने, आप शिकार करो आपकी, और हो सके तो कोशिश ये करें कि आपको कबूतर ख़रीदना है तो जगह पे जाओ, जगह पे जाके कबूतर आप लो। बाकी आप सोच रहे कि हम कबूतर मंगवा लेते, ट्रेन से आ जाएंगे, बस से आ जाएंगे, नहीं आएंगे भाई, टाटा बाय बाय, वो गलती नहीं करें आप। अभी जो आपने देखे इन भाई के साथ हो चुका है फ्रॉड, यानी जो भी आपने वीडियो देखे ना, उनके दो तीन दोस्त और भाई ने करीब 40 से 50 हज़ार रुपये ट्रांसफ़र कर दिए उसका अकाउंट में, दो चार भाई ने मिल के, चलो अपन कबूतर मंगवा लेते, भैया नंबर ब्लॉक कर दिया हमने। अब तक के ये मान के चलो कि इनने लोगों के लाखों रुपए लेके बैठा हुआ है, वो कितने लाखों रुपए, भाई मैं तक अंदाज़ा बता रहा हूँ, मैं एक अंदाज़ा बता रहा हूँ, पता नहीं कितने, कोई सीमा नहीं है, क्योंकि भाई कबूतर वाले अपने एक नहीं है, लाखों है, कोई ना कोई इसके झांसे में फंसना ही है। तो आपको जब भी कबूतर ख़रीदना है तो अच्छी तहकीकात करो कि बंदा कौन है, नाम क्या है, चेहरा क्या है उसका, रहता कहाँ है, बाकायदा उसके बाद में आप लेन देन करो, जो भी लेन देन करना है रिकॉर्डिंग रखो उसकी, संभाल के आप जहाँ वो कुछ हरकत करता है रिपोर्ट डाल दो आप, जैसे आप FIR डालोगे ना, जैसे आप उसी की कंप्लेंट डालोगे, बस कोई सी भी कोने में होगा पकड़ा जाएगा, नंबर के थ्रू पकड़ा जाएगा या उसका एड्रेस के थ्रू पकड़ा जाएगा, ठीक है, पूरी जानकारी आपके पास रखे, उसके बाद ही आप कबूतर मंगाए, नहीं तो मेरे तो कहना ये है कि आप जगह पर जाके कबूतर खरीदे, किसी से ऑनलाइन मत मंगाओ, क्योंकि ये बंदा जैसे कि आप जैसे आपने उसे कॉन्टेक्ट करे, आपका नंबर उन्होंने ब्लॉक कर दिया, पैसे आ गए, नंबर ब्लॉक, फिर आपको जवाब नहीं देगा वो, फिर वो दूसरे ग्रुप में वीडियो डालते, आपने और कुछ नए नंबर से मैसेज करोगे ना तो आपको जवाब मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो वो बंदा ये कर रहा है, बहुत ज़्यादा फ्रॉड कर रहा है भाई, तो हो सके तो बचे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भाई ग्रुप में शेयर करें। हमारा मकसद ये है कि भाई कबूतर लवर है भाई हम, तो यार कबूतर के चाहने वाले हैं। अभी देख लो क्या टाइम हो रहा है, 4:30 बजे थी, अभी तक कोई मैंने खाने नहीं खाया हूँ, कबूतर के बीच में बैठा हूँ मैं और आपके साथ वीडियो शेयर कर रहा हूँ। भाई ऐसी मोहब्बत होती है, इंसान खाना नहीं खाता है ना, अपने ऊपर खर्चा नहीं करता है, अपने कबूतर पर खर्चा करता है, अपने कबूतरों का ख्याल रखता है, अपने शौक पानी करने के लिए लाखों रुपए हज़ारों रुपए अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है कबूतर मंगवाने के लिए। बाकी कोई बंदा ऐसा फ्रॉड कर दे तो कितना दिल दुखता है। मैं तो यही बोलूँगा भैया, हराम का मत खाओ, जायज़ खाओ जो फ्रॉड, क्योंकि जिस तरीके से तू खाएगा ना उस तरीके से निकलेगा भी, समझ रहा, ऊपर से खाएगा नीचे से निकलेगा। तो कोशिश ये करें कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और फ्रॉडों से बचे, क्योंकि ये जो बंदा व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ही हरकत कर रहा है, तो आपको वीडियो क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना है, ताकि कोई ना कोई भाई बंदा बच जाए उससे। यार हमारी कोशिश बनती है, और मुझसे कॉन्टेक्ट करने के लिए भाई मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ से मुझसे कॉन्टेक्ट करें।